नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं ब्लॉग कंपटीशन कीवर्ड, जिसकी वजह से आप अपने ब्लॉग को ऑर्गेनिक ट्रैफिक दे सकते हैं और बूम से आपका ब्लॉग जो है गूगल सर्च रिजल्ट में आने वाला है। दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी दिन से मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियो जो है लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड पर बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से कीवर्ड रिसर्च वगैरह करते हो और कैसे रिसर्च करते हो और कहाँ से आप ये लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड ढूंढते हो। लोग दोस्तों इसके ऊपर मैं आपके लिए एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ फ्री में। आप कहाँ से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, एडवांस कीवर्ड रिसर्च, दोस्तों कोई भी ब्लॉगर ये नहीं बताएगा। मैंने भी ये कहीं से सीखा, मैंने कोर्स खरीदा था दोस्तों एसईओ क्यों का, वहाँ से मैंने एडवांस कीवर्ड रिसर्च करना सीखा था और आपको मैं इसमें सिखाऊंगा अगली वीडियो में। दोस्तों अपनी आने वाली एक वीडियो है, वो लंबी वीडियो होगी, लेकिन मैं इसमें आपको आरएफ में भी और ओवर सजेस्ट या कोई और जो भी फ्री टूल्स जो होते हैं जहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं उसके ऊपर एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए लाया हूँ चार या पांच लो कंपटीशन कीवर्ड, जिसके मदद से आप अपने ब्लॉग को गूगल सर्च रिजल्ट्स में दोस्तों रैंकिंग दे सकते हैं और आप यहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ और आपके लिए ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आता रहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं और अब मैं आपको कीवर्ड्स बताता हूँ वो कौन से कीवर्ड्स हैं और क्या डिफ़िकल्टी है, क्या कुछ है, मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो हमारा सबसे पहला कीवर्ड है वो है CRPF फुल फॉर्म। ठीक है, अब मैंने ये सर्च किया, ये आप देख सकते हैं मैं HRF के अकाउंट में हूँ। अब आप देखिए दोस्तों जीरो इसमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, मतलब आपको बैकलिंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से रैंक कर सकते हैं। 14,000 का इसका सर्च वॉल्यूम है, 2,500 के आसपास क्लिक मिल जाते हैं और इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप देख सकते हैं 99% है। 15,000 का ग्लोबल वॉल्यूम, ग्लोबल ट्रैफिक है। आप इसमें सर्फ में आप देखेंगे तो जीरो बैकलिंक के साथ यहाँ पे सारे ही ब्लॉग्स हो रहे हैं। कोरा तो है ही आपके सामने और ये देख सकते हैं आप, ये है आपका कोरा जीरो बैकलिंक के साथ। उसके बाद ये सक्सीड CDS करके है जीरो बैकलिंक के साथ, ये तो विकिपीडिया है, ये भी विकिपीडिया है। नीचे हिंदी सहायता .in आप देख सकते हैं, 3-3, 2-2 बैकलिंक, गैजेट्स .in, ये लोग भी सब टारगेट कर रहे हैं कीवर्ड्स को आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोग हर कोई अपने ब्लॉग पर जो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक पाना चाहता है। आप देखेंगे ये बड़े ब्लॉग्स हैं गैजेट्स वगैरह के बारे में लिखते हैं, लेकिन ये फिर भी इसको टारगेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं और इनको ट्रैफिक मिल रहा है। 14,000 में से 94 इनको हर महीने इनको इस तरह से ये ट्रैफिक का शेयर है। तो आप भी इसको टारगेट कर सकते हैं और इससे आपके ब्लॉग को अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है ट्रैफिक में। तो अब मैं आपको अगला कीवर्ड बताने वाला हूँ और अगला कीवर्ड जो हमारा है वो दोस्तों सपना व्यास पटेल, आपने नाम सुना होगा, एक सपना व्यास पटेल। अगर दोस्तों आपका बायोग्राफी या आप लोगों के बारे में लिखते हैं, बायोग्राफी वगैरह लिखते हैं, तो आप इस कीवर्ड को 100% टारगेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा कीवर्ड है। जीरो इसमें कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, 33,000 का सर्च वॉल्यूम है, 99% ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, CPC बहुत अच्छा है, ग्लोबल ट्रैफिक आप देख सकते हैं 38,000, इंडिया में मेजोरिटी है लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह से भी इसमें ट्रैफिक आ रहा है और जीरो बैकलिंक के साथ लोग इसमें आप देखेंगे न्यू चैनल्स इसमें टारगेट, वो ये आप देखेंगे, ये आपका इंस्टाग्राम वगैरह इसमें रैंक कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा खासा इसमें जो है आपका ब्लॉग रैंक कर सकता है। अब तो इसमें देखिए सपना व्यास पटेल स्टोरीज़ वगैरह लोग लिखने लगे, तो आप भी इसको टारगेट कर सकते हैं। जीरो बैकलिंक है, 1900 के आसपास इनको ट्रैफिक हर महीने मिल रहा है। तो इस तरह से आप भी इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि आपको जितना अच्छा ट्रैफिक सर्च रिजल्ट से मिल सकता है इतना कहीं से नहीं मिल सकता। और अगर आप मान लो आपके ब्लॉग पे 40 आर्टिकल हैं और 40 में से आपने 15 या 20 ऐसे आर्टिकल लिखे हैं जिन पर लो कंपटीशन है और हर आर्टिकल पे अगर आपको 1,000 का मिलता है ट्रैफिक, तो आप मान के सकते हैं 20,000 का ट्रैफिक आपको ऑर्गेनिक आ रहा हर महीने आपके ब्लॉग पे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी अर्निंग हो सकती है। दोस्तों अगला जो हमारा कीवर्ड है वो है कुंडली भाग्य। आपने देखा होगा कुंडली भाग्य दोस्तों एक सीरियल है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, इस पर अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, आप इस पर आर्टिकल्स लिख सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं कि कौन क्या है, इसमें क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, इस तरह से देखिए आप ये कीवर्ड के आपके आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल्सो रैंक फॉर न्यूली डिस्कवर्ड, देखिए नए आए हैं ये, और ये हैविंग ऑल टर्म्स, इस तरह से लोग सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है, आप देखिए 37,000 के आसपास में सर्च वॉल्यूम है, ये आप देखिए 1,93,000 का और 1,45,000 पर क्लिक होता है और 87% आपका जो है ऑर्गेनिक है। जीरो बैकलिंक के साथ आप रैंक कर सकते हैं
और आप ये इसमें देखेंगे तो यूट्यूब की G5 यूट्यूब की वीडियोस रैंक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई इसको टारगेट नहीं कर रहा है, इसीलिए यूट्यूब वगैरह के वीडियोज़ आती है, विकिपीडिया, इंस्टाग्राम, पिंक विला, ये सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें जो है कोई इसी को टारगेट नहीं कर रहा है। और आप देखिए इन ब्लॉग्स पे, आप यूट्यूब पे ही आप देखिए, इस पे देखिए आपको 52,000 के आसपास ट्रैफिक मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखते हैं और इसमें से आपको आधा भी आ जाता है तो आप बिलीव करिए दोस्तों आपको कितनी हेल्प होने वाली है इसकी वजह से। इस तरह से अब अगला एक और मैं आपको अगला कीवर्ड बताने वाला हूँ, इस कीवर्ड का नाम है सेफ सॉफ। इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं और इस पर भी आर्टिकल लिख सकते हैं, इसमें भी आपका सर्च वॉल्यूम जो है 61,000 है, 60,000 के आसपास क्लिक मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ग्लोबल आप देख सकते हैं 63,000 के आसपास, और इसके ऊपर भी अच्छा खासा आप देखेंगे तो कोरा, फेसबुक, और ये फेसबुक ही इसमें मैक्सिमम रैंक कर रहा है। देखिए आपने एक दो बैकलिंक बना लिया, अपने अच्छा सा आर्टिकल लिख लिया तो 100% आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप पहले पेज पर रैंक कर जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप रातों रात रैंक कर जाएंगे, लेकिन आपने अच्छा ब्लॉग लिखा, अच्छा डिटेल में क्वालिटी लिखा, कॉपी नहीं किया कहीं से, तो एक दो दिन या तीन चार दिन में आप आराम से उसमें रैंक कर सकते हैं। और अगर आपने एक दो बैकलिंक बना लिया अपने उस कीवर्ड के लिए तो डेफिनेटली आप टॉप 10 में आपका रिजल्ट आने लगेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। दोस्तों अगर इन कीवर्ड्स के बारे में आपको देखना है तो आप आराम से वीडियो को पाउच करके इनको नोट कर सकते हैं कहीं पे, और आपको ये हेल्प करने वाला है और अपने ब्लॉग पोस्ट में इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपका आज का लास्ट नॉट लीस्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कीवर्ड। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ और आपको हेल्प करता रहता हूँ। क्योंकि शुरुआत में दोस्तों हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक जरूर चाहिए होता है, या किसी तरह का भी ट्रैफिक अपने ब्लॉग पर आ जाए, क्योंकि तब तक संतुष्टि नहीं होती, नहीं तो ब्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों दुनिया में इतने सारे ब्लॉग्स बने हुए हैं लेकिन अगर उनके ट्रैफिक नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है उस ब्लॉग का। चलिए तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आखिरी कीवर्ड बताने वाला हूं दोस्तों, इस पर भी अच्छा खासा इस कीवर्ड का नाम है जियो रिचार्ज। इस पर भी अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है, इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कॉम्पिटिशन मीडियम आ रहा है, लेकिन इसमें सर्च वॉल्यूम आप देखिए दोस्तों, इसमें सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं करीबन 1 मिलियन के आसपास है और बढ़ता ही जा रहा है इसका सर्च वॉल्यूम। 80% ऑर्गेनिक है, ग्लोबल ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं लेकिन मेजोरिटी इंडिया से आ रहा है। इसको आप आराम से टारगेट कर सकते हैं, ये कीवर्ड के और आइडियाज़ आपको यहाँ मिल गए। आप वीडियो को पाउच करके यहाँ से ये कीवर्ड के आइडियाज़ ले सकते हैं और आप इनको देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये सब जियो की वेबसाइट रैंक हो रही है, freecharge.in ये सब हो रहा है, मूवीक्विक हो रहा है, तो क्योंकि इस पर किसी ने कोई आर्टिकल इस तरह का लिखा नहीं है इस वजह से ये रैंक होती हैं। और आप नीचे नीचे आएंगे तो इन पे अब धीरे धीरे आपको दिखेंगे कि कुछ कुछ ना कुछ easymobilerecharge.com इन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, देखिए 8,000 का ट्रैफिक इनको तब भी मिल रहा है 16 नंबर पर भी। ये gazettes.ndtv पे 9,000 का ट्रैफिक मिल रहा है ये 17 नंबर पे होने के बावजूद भी। और भी इस तरह से देखिए, ये देखिए telecomtalk.info आप इसमें देखेंगे तो इनको भी 1100 के आसपास ट्रैफिक यहाँ से ये शेयर मिल रहा है इनको। तो इस तरह से आप इसको टारगेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इस कीवर्ड पे आपको लेकिन थोड़ा सा बैकलिंक वगैरह बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आप डेफिनेटली टारगेट करिए। अगर आप टॉप 20 में भी आते हैं तो आपको आराम से इसमें ट्रैफिक मिल रहा है। आप देख सकते हैं टॉप 20 में जो आ रहा है उनको भी कितना अच्छा खासा ट्रैफिक आपको मिल रहा है। अब ये देखिए 24 नंबर वाले बंदे को grabbone.in इनको देखिए आप 32,000 के आसपास ट्रैफिक, 10,000 ये 25 नंबर पर रैंक हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, ज़रूरी नहीं है टॉप 10 में, आप टॉप 10 में ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आपको 17 वेबसाइट से बैकलिंक बनाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपने बना ली तो आप मान के चलिए आपका ब्लॉग कहाँ पहुँचने वाला है और आपको कितनी अच्छी खासी अर्निंग होगी, किस तरह से ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर एकदम से आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए यही थे कुछ कीवर्ड्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके ब्लॉग को सक्सीड करने में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।